विधानसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन के दो दिन बीत जाने के बावजूद सीट शेयरिंग का मसला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। एनडीए में लोजपा की चुप्पी के कारण जहां जदयू और भाजपा के बीच सीटों की गुत्थी उलझी रही, वहीं करीब दर्जन भर पसंदीदा सीटों को लेकर भी दोनों दल आमने सामने हैं। जदयू की ओर से सांसद लल्लन सिंह भाजपा नेताओं के साथ इस गुत्थी को सुलझाने की पहल करते रहे। भाजपा कोटे के सीटों पर मंथन कर पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली लौटने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सीटों को लेकर मंथन हुआ। वहीं दूसरी तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत के बाद महागठबंधन में सीटों का मसला सुलझता दिखा। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि इसके 135 सीटों पर राजद के उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस को करीब 70 सीटें मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ 19 सीटों पर भाकपा माले और 10 सीटों पर भाकपा और माकपा के उम्मीदवार होंगे। यही नहीं, सीपीआई को 6 सीट तो वीआईपी को 7 सीटें और झामुमो को 2 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में भाकपा माले को मिली 19 सीटों में पटना जिले के 3 सीटें भी शामिल हैं। इनमें सबसे खास सीट फुलवारी शरीफ है। भाकपा माले को फुलवारी शरीफ के अलावा पालीगंज और दीघा की भी सीटें मिली हैं। पटना से अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।